दोस्तों अगर आपको डॉग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एटमिक्स, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए लेटेस्ट डॉग हेल्थ नॉलेज वीडियोस और फिश हेल्थ नॉलेज वीडियोस देखिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके चैनल पर एटमिक्स में। आशा करता हूं आप सब ठीक और हेल्दी होंगे। दोस्तों आपके डिमांड पर मैं आज लैब्राडॉग और लैब्राडॉग रिट्रीवर का जो है डाइट प्लान बनाने वाला हूँ, क्योंकि दोनों डॉग सिमिलर है इसलिए मैं इन दोनों का डाइट चार्ट एक साथ ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि अलग अलग फिर नहीं बना रहा। तो दोस्तों अगर आपने जर्मन शेफर्ड का डाइट प्लान नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में या फिर वीडियो के एंड में जो है आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप परफेक्ट एक डाइट प्लान बना सकते हैं अपने डॉग का, लैब्राडॉग का और लैब्राडॉग रिट्रीवर का, तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों आप इसमें कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं प्लान में आपके डाइट चार्ट में, जैसे आपको इंक्लूड करना हो आपके डॉग के हिसाब से तो आप भी वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले बता दूं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, यानी जब भी हम इंटरेस्टिंग वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं हम लैब्राडॉग और लैब्राडॉग रिट्रीवर को कौन सी चीज़ें आप दें, कौन से प्रोटीन उनकी सख्त ज़रूरत होती है और कौन सी उसको देनी चाहिए और कौन सी नहीं देनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे वन मंथ से लेके 15 मंथ तक आपको कौन कौन सी चीज़ें उसको देनी है। दोस्तों इन डॉग को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और विटामिन और फैटी एसिड जैसे और भी विटामिन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप इन डॉग को बस वेज खाना ना दें, इन्हें आप नॉन वेज भी दे सकते हैं, क्योंकि आप अगर वेज पे रखेंगे तो इनकी बॉडी ग्रोथ और जितना न्यूट्रिशन इनको चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो साथ साथ में आपको वेज के साथ जो है नॉन वेज भी आपको उसको देना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन डॉग को जो है तीखा बिल्कुल ना दे, कच्चा मांस बिल्कुल ना दे, स्वीट कॉर्न भी आप उसे नहीं दे सकते और राजमा भी आप इसे ना दे। तो दोस्तों आप साथ साथ में इन्हें फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी आप उसे दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 1 मंथ तक आप कौन कौन सी चीज़ें इन्हें दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी अपने पपी को एडॉप्ट करते हैं या जब भी उसे घर पे लेके आते हैं तो उसको 1 मंथ के बाद ही आप उसे घर पे लेके आइएगा, क्योंकि सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप 1 मंथ तक अपने डॉग को या पपी को जो है मदर मिल्क पे रखना है, उसको और कोई भी चीज़ नहीं देनी है, आप उसे ओनली फॉर मदर मिल्क ही उसे प्रोवाइड करना है। तो आप 1.5 मंथ तक या फिर 1 मंथ के बाद आप उसे घर ले जा सकते हैं, या तब तक आप उसे ओनली फॉर आप उसे मदर मिल्क पे ही रखना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 1 से लेके 2 मंथ तक उसको क्या देना है। तो ध्यान रखिएगा, इस एज में डॉग को ओनली फॉर सेरेलैक्स आपको देना है, और जैसे उसका मदर मिल्क बंद हो जाता है तो उसके लिए जो है कैल्शियम की दवा आती है तो आप उसे वो भी दे सकते हैं, जिससे उसकी एनर्जी बनी रहेगी और उसको प्रोटीन भी मिलता रहेगा। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा, आपको काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क बिल्कुल नहीं देना है आपको, जो है उससे जो है उसको जो है लूज़ मोशन हो सकता है, उसका वेट गेन नहीं होगा और उसकी बॉडी भी ग्रो नहीं करेगी। और दोस्तों आप अपने डॉक्टर की राय लेके उसको कैल्शियम भी दे सकते हैं, यानी जो उसकी कैल्शियम की जो कमी होगी वो जो है पूरी हो जाएगी और आपके डॉग को जो है आगे जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप कैल्शियम भी उसे ज़रूर दें। तो दोस्तों अब बात करते हैं 2 मंथ से लेके 3 मंथ तक आपके डॉग को आपको क्या देना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस उम्र तक आपको अपने डॉग का जो है वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग जो है कर देना है। इससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि आपके डॉग को आगे चल के कोई डिजीज़ नहीं होगी और वो बीमार भी नहीं पड़ेगा, उसकी बॉडी भी जल्द से जल्द ग्रो करेगी। तो दोस्तों आप 1 से लेकर 2 मंथ तक उसका जो है पपी स्टार्टर चालू कर सकते हैं। मार्केट में आपको पपी के बहुत सारे जो है अलग अलग फूड आपको अवेलेबल होंगे, तो आप उसे वो दे सकते हैं जो आपके डॉग को जो है सूटेबल रहेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे आप रॉयल कैनन देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसकी बॉडी ग्रोथ करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकती है, या फिर आप पेडिग्री भी उसे दे सकते हैं। अगर ये दो आप नहीं दे सकते तो दोस्तों उसको ड्रूल भी आप उसे दे सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आपके पपी को पानी की कमी ना हो, हर आप उसे 1 या 2 घंटे में उसे प्योर पानी आप उसे प्रोवाइड कीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं 2 से लेकर 4 मंथ तक आपके पपी को आपको क्या देना है। तो ध्यान रखिएगा, आप उसे जो स्टार्टर फूड दे सकते हैं दिन में 2 बार, आपको दही, छाछ और जो है वो भी आपको उसको देना है। और दोस्तों उसको बॉडी और ग्रो करने में आप उसे साथ साथ में चावल के साथ उसको एग भी दे सकते हैं, आपको ये 2 दिन में भी आप दे सकते हैं या फिर 1-1 दिन का गैप छोड़ के भी आप उसे दे सकते हैं। और साथ साथ में आपको फ्रूट्स एप्पल भी आपको देना है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, एप्पल का जो बीज है उसको आपको डॉग को नहीं देना है, क्योंकि वो पॉइजनस होता है।
तो दोस्तों इस एज में आपको जो है पपी फूड दिन में 3 या 4 बार उसे दे सकते हैं। और आपके डॉग की जो है बॉडी की स्किन जो है रफ़ हो रही है तो आप उसे सैल्मन ऑयल भी दे सकते हैं, 5 ml जो है फूड के साथ उसे दे सकते हैं। और वेजिटेबल भी आप साथ साथ में उसे चालू कर सकते हैं। अगर उसकी मसल नहीं बढ़ रही या फिर ग्रोथ नहीं कर रही तो आप जो है एग और चावल भी उसे दे सकते हैं, और साथ साथ में जो है थोड़ा चिकन नॉनवेज भी उसे आप दे सकते हैं। और दोस्तों साथ साथ में आप उसे ड्राई फ्रूट भी दे सकते हैं, या फिर आप उसे जो है चावल खिचड़ी भी आप उसे दे सकते हैं, जो डॉग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं 6 से लेकर 12 मंथ तक आपके डॉग को क्या देना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका डॉग की बॉडी ग्रो नहीं हो रही है, उसकी हाइट बॉडी आपको लग रहा है कि वीक है, तो आप उसे जो है आपका डॉग का जो फूड है वो चेंज कर सकते हैं। आप अच्छे से अच्छा जो फूड आप उसे दे सकते हैं। और दोस्तों इस एज में आपको जो है वेजिटेबल्स फ्रूट्स भी देना है, नट्स देना है, इससे कि डॉग को जो है विटामिन की कमी नहीं रहेगी। और आप जो है विटामिन की दवा भी शुरू कर सकते हैं, तो आप इसे विटामिन की भी दवा दे सकते हैं। आप अपने डॉक्टर या फिर वेट से पूछ के जो है दवा चालू कर सकते हैं। और दोस्तों साथ साथ में आपको जो है एग, फिश और फिश ऑयल और चिकन भी जो है उसको स्टार्ट कर देना है। और ध्यान रखते चिकन जो है उसको बॉईल करके ही आपको उसको देना है, कच्चा जो चिकन उसको नहीं देना है। तो चिकन जब भी आप बॉईल करते हैं तो उसका पानी होता है जो उसे डॉग को ठंडा करके आप उसे दे सकते हैं, या फिर रोटी के साथ भी उसे दे सकते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन और प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। तो ये आप अपने डॉग को ज़रूर दीजिएगा। और साथ साथ में आप उसे प्रॉपरली एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और वॉकिंग पे भी ज़रूर ले जाए, क्योंकि वो भी बहुत इफ़ेक्ट करता है अपने डॉग को बॉडी को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं 12 मंथ से 50 मंथ तक उसको क्या देना है। तो ध्यान रखिएगा, आप एडल्ट फूड जो है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप जब भी आपको डॉग को जो फूड सूटेबल हो रहा है, यानी उसका जो अफेक्ट हो रहा है, वो आप फूड उसे दे सकते हैं। आपको 3 एग जो देना है उसको आप सुबह शाम या दोपहर को उसे दे सकते हैं, या फिर 2 एग भी उसे दे सकते हैं। आप रेगुलर ना दे उसे, 2-2 दिन का जो है गैप छोड़ के उसे दे सकते हैं। अगर उसकी बॉडी ग्रो नहीं कर रही, आपको लग रहा है कि नहीं उसकी बॉडी ग्रो कर रही, तो आप उसे दे सकते हैं 2-2 दिन के बाद। और ध्यान रखिए, इसके साथ साथ आपको जो है घर का खाना भी उसे चालू करना है, जैसे कि खिचड़ी, दही, छाछ। उसे मिल्क बिल्कुल अभी भी नहीं देना है, और आपको मिल्क उसको कभी देना ही नहीं है। आप उसके जगह छाछ या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका बजट ज़्यादा नहीं है, आप डॉग फूड रेगुलर नहीं दे सकते, तो आप उसका घर का खाना मिक्स, थोड़ा सा घर का खाना और थोड़ा सा फूड उसमें जो डॉग फूड डाल के उसे दे सकते हैं। इससे उसकी बॉडी भी थोड़ी तो ग्रो करती रहेगी, और जो है ज़्यादा आपको बजट भी कम बजट में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों 12 से लेकर 15 मंथ तक आपके डॉग का जो खाना वो न्यूट्रिशन से भरा हुआ होना चाहिए। अगर आपका डॉग का वज़न नहीं बढ़ रहा तो आप उसे 3 टाइम दे सकते। अगर आपका डॉग का वज़न ज़्यादा ही बढ़ रहा है, आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसे ज़्यादा खाना ना दें, आप उसे बस 2 टाइम ही दे सकते। अगर आप 3 टाइम देते तो उसे 2 टाइम कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था 1 मंथ से लेकर 15 मंथ तक खाना आपको क्या क्या देना है। आप अपने रिस्क से भी आप उसे दे सकते हैं, बस मैंने बताया उतना नहीं, क्योंकि आप भी अगर आपको कुछ और न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना आपके डॉग को देना है, उसे पसंद है, तो आप वो भी उसे दे सकते हैं। और दोस्तों आप रॉयल कैनन जूनियर भी उसे दे सकते हैं, रॉयल कैनन लैब्रा जूनियर भी आप उसे दे सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा इफेक्टिव करना है अपने डॉग को, तो आप रॉयल कैनन दे सकते हैं, पेडिग्री दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपका लो बजट, तो आप घर का फूड और जो है डॉग फूड भी उसे दे सकते हैं, जैसे कि पेडिग्री भी आप उसे दे सकते हैं, और जो है डॉग का फूड रूल्स आता है वो भी आप उसे दे सकते हैं। ये दोनों डॉग फूड भी बहुत ही अच्छे हैं। और दोस्तों वेजिटेबल्स में आप उसे बॉईल करके भी उसे आप दे सकते हैं, और फ्रूट्स में आपको एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, मैंगो, ये सब सारे फ्रूट डॉग के लिए जो है अच्छे होते हैं, और आप इसे छोटे छोटे पीस करके उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का डाइट प्लान आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लैब्राडॉग और लैब्राडॉग रिट्रीवर का डाइट प्लान कैसा हो, कौन सी उसको फूड देना चाहिए, कब कौन सी एज में क्या दे, तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आप हमें इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पे भी आपको नई नई अपडेट देते रहते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, हम जल्द से जल्द आपका डाउट जो है सॉल्यूशन उसका कर देंगे। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।